हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा साइन एसपी 125 की। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है और क्या क्या इसके अंदर फीचर हैं और क्या क्या मतलब जो अपने को कंपनी ऑफर कर रही है उस सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आज बात करेंगे कि इसके अंदर कंपनी क्या क्या फीचर ऐड कर चुकी है, जो नया मॉडल आया है उसके अंदर BS6 इंजन में, और जो इसके अंदर कंपनी कौन कौन से कलर आपको प्रोवाइड कर रही है, किस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है, कौन कौन से फीचर जो है वो अपने को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सबकी जो पूरी जो चीज़ है इसकी अपन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें इसके फ्रंट लुक से, तो फ्रंट लुक के अंदर अपने को इसके अंदर LED हेडलाइट मिल जाती है कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे जो है नंबर प्लेट की स्पेस मिल जाती है, इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं, और जो इसके अंदर अलॉय व्हील है उसके साथ ही अपने को डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। इसमें ABS जो है वो ऑफर नहीं किया गया कंपनी की तरफ से। इसके अंदर कंपनी की तरफ से अपने को दोनों चीज़ें ऑफर की जाती है, डिस्क वाली भी और ड्रम ब्रेक वाली भी। तो इसके अंदर जैसे कि साइड में देखते हैं तो साइड में यहाँ पर होंडा की बैजिंग मिल जाती है, और इसके बाद में यहाँ SP125 की बैजिंग है, और अपने को 125 cc का इंजन मिलता है, और जो इसके फ्रंट सस्पेंशन है ये अपने को टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं, और जो रियर सस्पेंशन है इसके ये अपने को मिलते हैं हाइड्रोलिक। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे फाइबर का यूज़ किया गया है, जो इसके अंदर ये है ये आयरन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से, और कंपनी अपने को कुछ इस प्रकार की चाबी इसकी प्रोवाइड करवाती है, ऑफर करती है, जो कि इसके अंदर जो अपने को सबसे अच्छा फीचर जो लगा है BS6 इंजन के अंदर, इसके अंदर कंपनी की तरफ से अपने को डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अपन इंडिकेटर ऑन करेंगे तो यहाँ दिखा देगी, और दूसरी बात जैसे कि यहाँ कितनी स्पीड में चल रही है अपनी यहाँ पे दिखाएगी अपने को टाइम, और कितना किलोमीटर अपने कितना फ्यूल अपने बाइक में है, कितने किलोमीटर जा सकती है, जैसे अभी यहाँ दिखा रहे हैं 11 किलोमीटर, तो इस हिसाब से इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी का भी सिस्टम इसी में है। और ये है जैसे कि इसके अंदर की कितना फ्यूल है इसके अंदर, जैसे इसमें अब अपने को न्यूट्रल की बैजिंग दिखाई दे रही है, और जैसे ही अपन इसको गियर में डालेंगे तो यहाँ गियर दिखाने लग गया कि कौन से गियर में है, और जो ये है यहाँ जो बटन दिया गया है इससे कुछ अपन ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर के जैसे अपने अलग अलग ट्रिप हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी की तरफ से अपने को ACG इंजन मिलता है, जैसे कि ये ऑफ है, यहाँ पावर में आ गई, और इसको जैसे ही अपन करेंगे जैसे यहाँ पे चाबी ऑन है उसके बाद के में ये ऑफ इंजन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद के में अपने को सेल्फ बटन अलग अलग से नहीं दिए गए, इसके अंदर एक ही ऑफर किया जाता है, और उसके अंदर जैसे ही इसको अपन यहाँ दबाएंगे तो ये जैसे स्टार्ट हो गई, तो उस हिसाब से इसका सिस्टम है, और यहीं से इंजन स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही इग्निशन ऑन होगा वैसे ही हेडलाइट इसकी चालू हो जाएगी, और जैसे कि इसके अंदर कुछ डिपर वगैरह का सिस्टम ऐसा है, ये देखिए जैसे ऊपर तो अपने को लाइट मिल जाती है, उसके बाद के अंदर जो नीचे है वो डिपर का सिस्टम है जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। और अगर बात करें इसके एवरेज की तो ये अपने को 60 से प्लस एवरेज दे रही है, 60 प्लस एवरेज है इस बाइक की, और इसके अंदर कंपनी अपने को 4 कलर ऑफर करती है, जिसके अंदर है ब्लू, मेटलिक ग्रे और ब्लैक एंड रेड, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चारों कलर जो है वो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं। इसके अंदर जो ग्राफिक्स अपने को दिए जाते हैं वो मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बात करें अगर इसके प्राइस की, तो इसके अंदर दो प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है। अगर अपन ड्रम ब्रेक में लेते हैं तो ये पड़ती है अपने 1,500 रुपये की, और अगर इसी बाइक को अगर अपन डिस्क ब्रेक में परचेज करते हैं तो ये अपने पड़ती है 1,05,000 रुपये की। और गाइस अगर आप 90,000 या 1,00,000 रुपये तक की बाइक का अगर प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से साइन एसपी 125 एकदम अच्छी चॉइस है, जो आपकी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो फुलफिल करेगी। जैसे कि आप स्प्लेंडर की बात कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 की आ रही है, तो इसके लुक्स में और स्प्लेंडर के लुक में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप स्प्लेंडर पर जाते हैं तो मेरी राय से कृपया इसको ज़रूर देखिए एक बार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें।